गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो है एक ऐसा प्लांट जो बहुत बहुत खूबसूरत है और उस पर बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग होती है। ये कहलाता है कॉककॉम। आइए मैं इस पौधे को आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसके पत्ते इस तरह के होते हैं, ग्रीन और कुछ मरून टाइप होते हैं। इसका नाम है कॉककॉम। इसका नाम कॉककॉम इसलिए है क्योंकि इसके जो यहाँ फ्लावर होते हैं उनकी जो शेप होती है वो मुर्गे के सर पे जो कलगी होती है उस तरह की होती है। इनको उगाना बहुत आसान है। पिछले साल जाड़ों में हमारे यहाँ माली ने 10-15 पौधे लाकर लगाए थे। उसके बाद जो उनमें फूल खिलते हैं, फूल पकने पर उनका जो बीज है वो अपना आप नीचे झड़ जाता है। उसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती और उस बीज से ही फिर बरसात के मौसम में नए पौधे उग जाते हैं। आप ये देख सकते हो, ये जो नए पौधे निकले हुए हैं ये सब हमने नहीं उगाए हुए हैं, ये सब इनके बीज गिरे और उससे ये नए पौधे निकले हैं। आइए मैं और आपको पौधे दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जितने भी पौधे निकले हुए हैं ये सब सीड्स गिर गए थे बड़े फूलों से निकल कर अपने आप, और ये अब इतनी पौध तैयार हो गई। इसको फिर माली ने अलग अलग जगह बो दिया है और ये पूरे जाड़ों में ये फूलों से भरे रहेंगे ये पौधे। चलिए मैं और दिखाती हूँ माली ने इनको कैसे लगाया। ये देखिए फ्रेंड्स, अब माली ने इसको लॉन के चारों तरफ लगा दिया है कॉककॉम को। और अब जब विंटर आएगी तो विंटर में ये फूलों से भरे रहेंगे। इन पर रेड कलर का फ्लावर आता है, उस टाइम पे मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें आप देखोगे इनके खूबसूरत फूलों को। ये फिर इस तरह से लॉन के इस तरह, ये देखिए इसका पौधा अगर आप लगाते हैं गमलों में तो उसकी लंबाई कम रहेगी और फूल भी छोटा होगा, लेकिन अगर आप इसको ज़मीन में लगाते हैं तो इसकी लंबाई करीब करीब 3-3.5 फुट बल्कि 4 फुट भी हो जाती है कभी कभी ज़मीन में अगर आप लगाते हैं। और पूरे पे इतने फूल आते हैं कि बहुत खूबसूरत लगते हैं प्लांट्स। जब इस पर फूल लगेंगे इन पौधों पर, उसकी मैं एक अलग से वीडियो बनाकर आपको दिखाऊंगी कि बहुत आसानी से लगने वाला और बहुत बहुत खूबसूरत पौधा है ये कॉककॉम। आइए और दिखाती हूँ मैं आपको पौधे। देखिए फ्रेंड्स, ये बीच बीच में कॉककॉम के पौधे लगाए हुए हैं माली ने और ये बहुत ऊंचे हो जाएंगे। इनको एक्चुअली मेन चीज़ जो चाहिए होती है, अगर आप उनको मिट्टी में लगा रहे हैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इनको धूप का मिलना। इन्हें 8 घंटे की धूप तो डेली चाहिए ही चाहिए क्योंकि पौधा धूप से ही बढ़ता है और इस पे जो फूल आते हैं वो धूप से ही आते हैं। यहाँ भी आगे सारे में लगाए हुए हैं। ये देखिए, देखिए ये पौधे, ये क्योंकि बहुत सारे पौधे बन गए थे बीजों से अपने आप, तो इसलिए ये हमारे माली ने दीवार के नीचे भी लगा दिए। अब ये क्योंकि ज़मीन में है तो, और मिट्टी जो है वो ऐसे ही फर्टाइल मिट्टी है, इसमें हम सिर्फ गोबर का खाद डालते हैं और हम किसी भी तरह का कोई खाद अपने पौधों में नहीं डालते हैं, तो इससे इनकी लंबाई 3.5 से 4 फुट ऊंची हो जाएगी और बहुत ज़्यादा फूल इन पर रेड कलर के आएगा। मैं आपको दिखाऊंगी जब इन पर फूल खिलेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप अपने गार्डन में कॉककॉम के पौधे ज़रूर लगाएंगे। सिर्फ एक पौधा भी आपको कहीं से मिल गया तो आप उसके बहुत सारे पौधे बना सकते हैं क्योंकि इसका जो सीड है वो ज़मीन में अपना आप मिलकर और अपना आप बरसात में वो पौधे निकलना शुरू हो जाते हैं और जिनमें फिर जाड़ों में फूल लगने शुरू हो जाते हैं। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू।